दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का मॉक टेस्ट लिया गया है। इस मॉक टेस्ट में नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को कवर किया गया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। देखिए, इस वीडियो में आपको मिलेंगे कुल 95 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आया समझ में? देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का मतलब ये होता है कि जब आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा देते समय मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन आ गया कि नालंदा महाविद्यालय का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने आ गए, कुमारगुप्त प्रथम, धर्मपाल, विजय सेन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपके माइंड में तुरंत क्रैक करेगा कि भैया मेरे इसका आंसर कि कुमारगुप्त प्रथम होगा, ये राइट आंसर होगा। आपके माइंड में तुरंत ट्रैक करेगा जाके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिया करूँ सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पहला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय को एहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति। नालंदा महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नालंदा महाविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाता है आप लोगों को, आंसर हो जाएगा सातवाहन। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? बताइए भैया मेरे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया था? इस प्रणाली को गुरु गोविंद सिंह ने आरंभ किया था। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? मराठा काल में चौथ से, तो भैया मेरे मराठा काल में चौथ से आशय है एक कर। आपका जो चौथ होता था, जो मराठा काल में लोगों से लिया जाता था, इसको एक कर बोला जाता था। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी, मीर बख्शी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भैया मेरे अगला क्वेश्चन है कि मलक्का सल जयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं। ऑप्शन में ए में बोल रहा है हिंद महासागर से चीन सागर तक, और देखिए बी में क्या बोल रहा है, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, सी है अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर सागर तक, और डी है भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ए वाला ऑप्शन है, हिंद महासागर से चीन सागर तक, ये सही हो जाएगा। ओके, नवा क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो भैया मेरे इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आयन मंडल। दसवां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी, भारत का सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था?
तो दोस्तों ये बनाया गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी शिवरामन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? अशोक का लघु शिलालेख ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो भैया मेरे ये प्राप्त हुआ है सहसराम सासाराम से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीर होर। सभी क्वेश्चन के आंसर मेरी बहनें मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो क्या आंसर होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल कार्य स्थिरीकरण। अगला क्वेश्चन, जलाशयों में डाले जाने वाले वाहित मल के कारण मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि क्यों मर जाती हैं? ऑप्शन सी, इसमें जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मृत होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? सामान्य बोलचाल में से क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। इसे सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट। देखिए लॉकडाउन 4.0 आने वाला है, ये तो आपको पता ही होगा। कल मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि 18 तारीख से पहले आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा कि 4.0 लॉकडाउन में आपको किन किन नियमों का पालन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन सी सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? ऑप्शन सी पृथ्वी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? ऑप्शन बी दिल्ली। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है? ऑप्शन बी लोकसभा का सदस्य।
देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, बताइए जल्दी से आंसर। ऑप्शन बी 24 जनवरी 1857। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 3 जून 1947 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन बी डुप्ले। 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? ऑप्शन बी आर्य समाज। अगला क्वेश्चन, फ्रोटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भैया मेरे किसे जाना जाता है? ऑप्शन सी अब्दुल गफार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहां हुआ था? काफी जी क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन डी बांकीपुर पटना। मुगल चित्रकला किसके शासन काल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन सी जहांगीर। अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी एकीकरण की नीति को रक्त एवं लहू की रीति कहा? ऑप्शन डी बिस्मार्क। मांडू के हिंडोला महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? हुशंग शाह। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से बार भारत वापस लौटे थे? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम जीरो वेस्ट बजट लागू किया था? ऑप्शन ए राजस्थान। मौर्य शासन में सिक्के ढालने का कार्य किसका था? ऑप्शन जो का भी है ऑप्शन बी लक्षणाध्यक्ष। किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया? ऑप्शन डी चंगेज खान। निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? ऑप्शन बी टुंड्रा वन। अवतल लेंस हमेशा बनाता है आवासी एवं सीधा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनी। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? इस क्वेश्चन का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दीव। एक धातु जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। सोना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी उपराज्यपाल। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर होगा? तो देखिए आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय की सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी है? ऑप्शन ए ब्याज का भुगतान। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? तो भैया मेरे चौथा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? खसरा और खतौनी ये कौन तैयार करता है? ऑप्शन डी पटवारी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ऑप्शन सी यह है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु तो एक कार्य योजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंटा ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन बी CFC। फूसारोगी किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में डॉट 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 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ऑप्शन सी 6। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो आपका ऑप्शन सी है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है 83.3 करोड़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय सेंट ऑडिस्ट को अमेरिका के प्रतिष्ठित सेंट स्कल्पिंग फेस्टिवल वर्ष 2019 में पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी सुदर्शन पटनायक। किसे भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए मनु भाकर। बहुचर्चित युवा पर्यावरण प्रचारक ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर हाल ही में किस जंतु का नामकरण किया गया? झिंगुर। किस देश के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने पूरी कैबिनेट को निलंबित कर दिया? ऑप्शन सी चिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की गई? ऑप्शन सी कन्या सुमंगला योजना। किस राज्य ने हाल ही में भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया के नाम पर 16 अवार्ड देने की घोषणा की है? ऑप्शन बी कर्नाटक। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? ऑप्शन बी सुंदर सिंह गुर्जर। नवंबर 2019 को केंद्रीय डॉक्टर मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया? सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली। 17 से 21 नवंबर 2019 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास जायर अल बहर 2019 आयोजित हुआ? भारत एवं कतर। निम्नलिखित में से किस मंत्री को हाल ही में भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? प्रकाश जावड़ेकर। आटोहन ने अणुओं की खोज निम्न किस सिद्धांत के आधार पर की? ऑप्शन ए यूरेनियम विखंडन। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। रक्त ग्लूकोज स्तर ये क्या लिखा हुआ है? व्यय किया जाता है
चार ऑप्शन आपके सामने हैं मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु। वा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे क्वेश्चन आप तभी हल कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के सुमेलित वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप सुमेलित करें। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम में और आईएएस के एग्जाम में, यूपी लोअर पीसीएस के एग्जाम में, सही परीक्षाओं में मिल जाएंगे लगभग लगभग ऐसे आपको क्वेश्चन। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व करने लगेंगे आप लोग। तो सूची एक में है स्त्रावी ग्रंथियां और सूची दो में स्त्रावित हार्मोन्स। तो सुमेलित कैसे करना ये मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन सी जो आपका है ये सही हो जाएगा। पहले आंसर चूज करना है उसके बाद आपको सुमेलित करना है। तो दूसरा है प्रोजेस्ट्रॉन जनन ग्रंथि से हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हो जाएगा। इंसुलिन का मिलान अग्नाशय से हो जाएगा। कॉर्टिसोन का मिलान अधिवृक्क से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन, क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी धीमा हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिटोलिक व डायस्टोलिक होता है। ऑप्शन ए 120 मिमी व 80 मिमी। दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं। तो देखिए दो ऑप्शन आपके सामने हैं, वीडियो को स्किप कर लीजिए आप लोग एक बार। तो मैं आंसर क्लियर कर देता हूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो आपका ए है केवल पहला, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु तो बॉक्साइट अयस्क है? ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्दियों में भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी जो आपका ये सही जाएगा, उपरोक्त सभी, पहला दूसरा और तीसरा। कचपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? उपरोक्त में से कौन से कथन सही है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केवल पहला। अगला क्वेश्चन, भारत में बौद्ध इतिहास और परंपरा के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्म में कौन से सही सुमेलित हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन सी जो आपका है ये सही हो जाएगा पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। ऑप्शन बी पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संबंध में कलारी पैटू क्या है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के समय कहां पर खिचड़ी मेला लगता है? ऑप्शन ए गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग दो द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? ऑप्शन सी लखनऊ। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? ऑप्शन डी चीनी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है? मुगल सराय क्षेत्र में। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुगल सराय का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है?
कानपुर में। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? ऑप्शन सी 18। तो दोस्तों ये हमारे थे खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 95 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अपनी मॉक टेस्ट 95 का मॉक टेस्ट। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। सभी क्वेश्चन के आंसर यदि आपने कमेंट बॉक्स में बताए हो तो अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया, 95 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।